चलिए आज बनाते हैं मूली भाजी की सब्ज़ी, जो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, बहुत टेस्टी होती है खाने में। और अभी ठंड में तो बहुत भाजी मूली आ रही है, तो आप एक बार ज़रूर बनाइए, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो देखिए यहाँ पर मैं ले लेती हूँ मूली और उसकी भाजी, एक मूली भी डालेंगे। और यहाँ पर 5-6 टमाटर और आधा कटोरी चना दाल को मैं भिगा लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं ले लेती हूँ कुकर, आप कढ़ाई में भी बना सकते हैं, मैं कुकर में बना रही हूँ, ये इससे जल्दी बन जाएगा। अब इसको नीचे में डाली हूँ चना दाल, उसके ऊपर मैं डालती हूँ ये जो मूली भाजी को बारीक काट ली हूँ उसको डाल देती हूँ, और इसमें काट के मैं टमाटर भी डाल देती हूँ। ये देखिए अब इसको मैं चढ़ा देती हूँ 10-15 मिनट के लिए, अब ये पक चुका है। अब इसमें मैं डाल लेती हूँ 1 चम्मच तेल और 1.5 चम्मच सरसों। अब देखिए सरसों तड़क जाएगा, उसके बाद इसमें डाल देंगे हम लहसुन। लहसुन मिर्ची का फ़ौरन जो होता है ना, वो बहुत अच्छा रहता है भाजी में। तो ये देखिए आप अगर नहीं खाते तो नहीं डालिए, लेकिन ये डालने से ज़्यादा अच्छा लगता है। देखिए यहाँ पर इसको भी सुनहरा होने तक भून लेंगे और मिर्ची डाल के ढक देंगे। अब ये हो चुका है, अब इसमें हम डालते हैं भाजी। भाजी डाल के भी थोड़ा ढक देंगे ताकि जो मिर्ची का जो धुआँ है वो ना आए हमारे ऊपर। तो यही इसको सबको डाल लेती हूँ मैं इसमें और अच्छे से भून लेती हूँ। इसमें हल्दी और नमक बस डालेंगे, कोई मसाला नहीं डलेगा। 1 चम्मच हल्दी डाल दीजिए और नमक स्वाद के अनुसार डाल दीजिए। ये चम्मच छोटा वाला है, बड़ा चम्मच नहीं, याद रखिएगा। और यहाँ पर मैं 1 चम्मच नमक डाल देती हूँ। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, और खाने में बहुत अच्छा था लग रहा था, बहुत टेस्टी लग रहा था, मुझे तो बहुत पसंद आया। एक बार आप ज़रूर बना के देखिए तो कैसी लगी रेसिपी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए माय चैनल को, और आपसे मिलते हैं फिर नई रेसिपी में। थैंक यू।